तीन कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले 9 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है। अब किसानों ने लखनऊ को घेरने का ऐलान किया है। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ में आंदोलन करने की धमकी दी। इस पर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक कार्टून को शेयर किया है, जिस पर अब बवाल हो रहा है। जो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, ये ट्वीट उत्तर प्रदेश बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है, ओ भाई जरा संभल कर जाइए लखनऊ में। इस ट्वीट में एक कार्टून है। कार्टून में राकेश टिकैत जैसी छवि का एक व्यक्ति दिखाया गया है, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। उसमें बाहुबली लिखा शख्स कहता है, सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम, कि मैं पंगा न लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। अब इस कार्टून पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, आपका क्या मतलब है, एक किसान लखनऊ या यूपी में विरोध नहीं कर सकता, योगी बैठा है, आप लोग विरोध करने के लिए एक व्यक्ति का अधिकार लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि किसान बिल किसानों के पक्ष में नहीं है, ये किसान बिल सिर्फ निजी संगठनों के लिए मुनाफा कमाने के लिए है। यूपी बीजेपी के इस ट्वीट पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। कई लोग इसे किसान विरोधी मानसिकता कह रहे हैं, तो कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करने वालों का कहना है कि यूपी में योगी राज है, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले और लोगों को भड़काने की गुंडई करने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट पर बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी बचाव के मुद्रा में आ गई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की अपनी अलग ही दलील है। उनका कहना है कि यूपी में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, योगी सरकार है, सीएए प्रदर्शन में अराजकता फैलाने वालों का क्या असर हुआ, ये सबने देखा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने कहा है कि बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट कर अपनी मानसिकता दर्शा दी है कि किसान नेता का किस तरीके से बाल पकड़ कर खींच रहे हैं और उनकी टोपी गिर रही है। यह वही बीजेपी है जो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बवाली बोलती है। यह किसानों का घोर अपमान है। तो वहीं इस ट्विटर पर कांग्रेस भी हमलावर है। पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से बेशर्म पर उतर आई है। देखिए ये लोग किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, कभी किसानों को बवाली कहते हैं, कभी पाकिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी, तो कभी खालिस्तानी कहते हैं। ये नहीं कि किसानों के मुद्दों को सुलझाएं। इस बार बीजेपी वाले गांव में जाएं तो पता चलेगा कि कौन किसका बक्कल उतारता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।